हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो एक बुक समरी ना होकर हमारी लाइफ से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यानी अपने डर पर जीत हासिल करने पर आधारित है। दोस्तों, यूं तो डर बस दो अक्षर का एक शब्द है, लेकिन ये हमारी लाइफ का एक अहम पहलू है। हम सभी किसी न किसी चीज से डरते हैं। जब डर का साया इंसान पर मंडराता है तो वह उसके सोचने समझने की एबिलिटी छीन लेता है। हमारा दिमाग हमारे बुरे एक्सपीरियंस और इमोशंस की एक ऐसी याद बना लेता है जो बार बार हमारे दिमाग में चलती रहती है, चाहे वो फेलियर का डर हो या अपनी किसी प्यारी चीज के खोने का डर या फिर रिजेक्शन का डर। जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम डर जाते हैं और बिना उनका सामना किए ही हार मानकर भागने लगते हैं। लेकिन क्या डर से दूर भागना और उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने देना सही है? क्या आप अपनी एक छोटी सी जिंदगी को डर की कैद में बिताना चाहते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी है और आप भी इस डर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो YouTube पर देखा गया ये छोटा सा वीडियो आपके अपने डर से छुटकारा पाने का जरिया बन सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक पुरानी बात है, एक भयानक और बहुत ही चालाक ड्रैगन रोम के एक गांव में घुस गया। गुस्से में पैर पटकते हुए ना सिर्फ उसने लोगों को बुरी तरह डरा दिया, बल्कि उनके घरों को भी तहस नहस कर डाला। डरे हुए गांव वाले अपना घर और सामान छोड़कर इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते लगभग सारा गांव खाली हो गया। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा लड़का वहां रुका रहा। उसने उस डरावने ड्रैगन से डरकर भागने की बजाय उसका सामना करने की ठानी। एक छोटी सी तलवार और ढाल पकड़कर वह धीरे धीरे ड्रैगन की ओर बढ़ने लगा। ड्रैगन यह देखकर चौंक गया कि आखिर ये छोटा सा लड़का कौन है जो उसका सामना करना चाहता है। ड्रैगन ने लड़के को डराने के लिए अपने पंख फैलाए, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा और उसी तरह ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता रहा। यह देखकर ड्रैगन ने लड़के को एक बार फिर डराने की कोशिश की और अपने मुंह से खतरनाक आग की लपटें निकालने लगा, लेकिन एक बार फिर वो असफल रहा। ड्रैगन अब दुखी होने लगा और धीरे धीरे उसका साइज छोटा होने लगा। यह देखकर लड़का अब तेजी से ड्रैगन की ओर बढ़ने लगा। हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे लड़का ड्रैगन के नजदीक आ रहा था, ड्रैगन का साइज और ज्यादा छोटा होता जा रहा था। लड़का दौड़कर ड्रैगन के पास पहुंचा और उसने ड्रैगन को अपनी हथेली में उठा लिया। लड़के ने ड्रैगन से पूछा, तुम कौन हो? ड्रैगन ने कहा, मैं डर हूँ। जितना ज्यादा तुम मुझसे भागोगे, मैं उतना ज्यादा ताकतवर होता जाऊंगा और डरावना दिखूंगा। लेकिन जितना ज्यादा तुम मेरा सामना करोगे, उतना ही मैं छोटा और कमजोर होता जाऊंगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारे डर की रियलिटी बताती है। अक्सर गांव वालों की तरह हम भी डरकर भागते रहते हैं और इस बीच लाइफ में मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज को गंवा देते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर की हिम्मत को पहचान कर उस छोटे लड़के की तरह अपने डर का सामना करें, तो बड़े से बड़ा डर भी छोटा लगने लगेगा। अपने डर के पीछे छिपे रीजन को समझें और उसे पहचानें। जब भी आपका डर आपको चैलेंज दे, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। रियलिटी में देखें तो डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है, जो वो अक्सर हमारे साथ खेलता रहता है और हारने के डर से हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये डर धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर हावी होने लगता है और आपके अंदर बैठकर आपके डिसीजंस लेने लगता है। आपका डर आपके दिमाग की बस एक छोटी सी काल्पनिक सोच है, जो अक्सर आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, और जब भी आप इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब ये और भी अधिक डरावनी लगेगी। अगर आप डर जाएंगे तो वह धीरे धीरे आपको कैद कर लेगी, जिससे बाहर निकलने में आप हमेशा डरते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर छिपी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और डट कर उसका सामना करेंगे, तो वो बड़ा डर छोटा होकर आपकी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। जैसे कि चाणक्य ने भी कहा है कि जैसे ही डर पास आए, उस पर हमला कीजिए और उसे खत्म कर दीजिए।
जितनी पावर के साथ आप अपने डर को फेस करेंगे उतना ही जल्दी वो खत्म हो जाएगा। आप जिस डर के कारण अपनी खुशियों और अपनी सक्सेस से दूर भाग रहे हैं वह इतना बड़ा नहीं है। आप उसके आगे अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को बर्बाद होने ना दें। डर का सामना करने का सफर मुश्किल हो सकता है लेकिन उसके बाद मिलने वाली कामयाबी निश्चित रूप से शानदार होगी। रियल लाइफ में डर का सामना करके आगे बढ़ने वाला ही चैंपियन कहलाता है और अपने डर से हारकर भागने वाला लूजर कहलाता है। यहाँ चॉइस आपकी है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।